हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। मैंने मटर को बॉयल होने के लिए रख दिया। अब हम काट लेंगे प्याज टमाटर बड़े बड़े पीसेस में। मैंने 5-6 मिर्च ले ली है और 5-6 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 2 प्याज ली हैं और 5-6 टमाटर लिए हैं। इनको हम बारीक में नहीं काटेंगे। गरम होने के लिए रख दिया। इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 क्यूब बटर डाल देंगे। फिर जो सब्जी हमने काटी थी वो और साबुत हरी मिर्च और लहसुन। उसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे उसमें। जब तक जीरा चटक ना जाए तब तक उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे। हमने काटी थी वो डाल के भुनेंगे इसको थोड़ी देर। ढक देंगे। अब पनीर ले लेंगे। पनीर को अपने हिसाब से काटेंगे। आपको जिस शेप में खाना पसंद हो उस शेप में आप काट लीजिए। इस सब्जी में आपको 2 तरह का टेस्ट मिलेगा, मटर पनीर का भी और शाही पनीर का भी। अब ये कैसे होगा आप देखते जाइए बस। एक बार अपने सब्जियों को हम चला लेंगे। मटर भी हमारे बॉईल होने वाले हैं। गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है मैंने। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। अब इसको हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे सारे सब्जियों को।
ठंडा होने के लिए रख देंगे एरी में दांत दिखाते हुए। अब कढ़ाई की गैस चला लिया मैंने, उसी कढ़ाई में बनाया जिसमें मैंने वेजिटेबल्स को रोस्ट किया था। अब इसमें मैंने एक क्यूब मक्खन डाल दिया, अब इसमें एक चम्मच जीरा जाएगा, जीरा चटकने लगा है। अब इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले जाएंगे जैसे तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो पेस्ट हमने टमाटर वगैरह से पीस के बनाया था उसको डालेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अकेले वीडियो बनाना, अकेले कुकिंग भी करना विदाउट किसी के हेल्प के। अब इसमें एक आधी चम्मच हींग डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप उसको अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जाएगा हमारा शाही पनीर मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब इसमें आधी गिलास दूध डाल देंगे मलाई वाला, क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना शाही पनीर के मसाले जैसा, खाने में भी आपको शाही पनीर ही जैसा लगेगा। अब इसमें बॉइल मटर डाल देंगे, दूध थोड़ा कम लगा तो मैंने आधी गिलास दूध और डाल दिया। वैसे आपके लिए ऑप्शनल है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे, नमक तो आपको पता ही होगा आपके टेस्ट के हिसाब से ही डलेगा।
पनीर्स डाल देंगे उसमें। ये देखिए ब्यूटीफुल, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल शाही पनीर जैसा, खाने में भी लाजवाब होगा। अब ये रेडी है सर्व के लिए। अब इसको चाहे रोटी से खाइए, नान से खाइए या चावल से खाइए, आपकी मर्जी।